नमस्कार, मैं संजय मेहरोली और आप देख रहे हैं आपका न्यूज। आपका न्यूज में आज हमारे साथ मेहमान हैं धारावी के पूर्व एमएलए बाबूराव माने साहब। माने साहब, आपका न्यूज में आपका स्वागत है। माने साहब, सबसे पहले मैं आज जानना चाहूंगा कि हमेशा जब चुनाव आता है तो अक्सर धारावी के डेवलपमेंट पे सभी पार्टियां आके अपना अपने ये चुनावी मुद्दे रखते हैं कि हम धारावी का विकास करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर तक ही शामिल है या फिर सिर्फ चुनावी मुद्दे में ही रहता है, या डेवलपमेंट होगा भी कभी धारावी का? आप जानते हैं धारावी के डेवलपमेंट के विषय में मैंने कितना प्रयास किया, और इस विषय में हमने धारावी के डेवलपमेंट के विषय में हमने कभी राजनीति नहीं की। धारावी डेवलप होना ही चाहिए, और अब जल्द ही ये काम होने वाला है। इसका कारण 15 साल से इसके पीछे हम लोगों ने सारे धारावी के जाति के सारे धर्म के लोगों को लेकर एक मजबूत ताकत बनाकर मजबूत भिड़न के साथ इस विषय को हम लोग भिड़े हैं, और धारावी के विषय का हमने सक्सेस लाया है। अभी आने वाले कुछ महीना दो महीने के अंदर धारावी की रीडेवलपमेंट का बड़े पैमाने पर काम चालू होने वाला है। ये काम दुनिया में सबसे बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर उभर आने वाला है। धारावी के लोगों को 400 फुट का कमरा मिलना चाहिए, इसके लिए जो संघर्ष हम लोगों ने किया वो संघर्ष पूरा दुनिया जानती है। बल्कि 1,00,000 लोगों को धारावी के इस डेवलपमेंट के बाद 1,00,000 लोगों को मुफ्त में घर मिलने वाला है, और भी वो मुंबई जैसे शहर में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ये डेवलपमेंट है। ये ऐसी ये डेवलपमेंट में हम लोग ने राजनीति नहीं किया। यहाँ के लोगों का सुधार होना जरूरी है, यहाँ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है, और इसके कारण ही हम लोगों ने यह संघर्ष खड़ा किया था। इसकी राजनीति नहीं, और इलेक्शन आने के बाद इस मुद्दे को हम लोग हाथ लगा रहे ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मुद्दा हमारा ऑक्सीजन है, धारावी का डेवलपमेंट ये हमारा ऑक्सीजन है, हमारा प्राणवायु है, और उसके कारण हम लोग इस मुद्दे को राजनीति के बाहर जाकर इस मुद्दे के पीछे हम लोग पड़े हैं, और उसमें हम लोग सक्सेस पाए हैं। आने वाले कुछ दिन के अंदर धारावी के डेवलपमेंट को शुरुआत हो जाएगी, और धारावी मुंबई शहर में एक अच्छे सिटी के एक अच्छे नगर में धारावी कुछ दिन के अंदर बदलने वाली है, और उसके लिए हम लोग का प्रयास। धारावी के लास्ट के आदमी को घर नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, लड़ाई करते रहने वाले हैं, और राजनीति के बाहर जाकर इस विषय को हम लोगों ने रोड पर लाया है। धारावी में अक्सर जब थोड़ी सी भी बारिश गिरती है तो कैसा झोपड़पट्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बहुत ही निचला स्तर है शायद ये धारावी का, तो धारावी में जब पानी भर जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब बीएमसी इसकी जिम्मेदार होती है, या फिर मतलब बीएमसी ने कहीं ना कहीं विफल होती है बीएमसी? देखिए, धारावी में हर तरह से सफाई करने का कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों में भी अज्ञान है, उसके कारण कई बार गटर में कचरा गिरता है, रास्ते में कचरा गिरता है। उस विषय में उनका प्रबोधन करने का काम, उनको अच्छी तरह से डिसिप्लिन देने का काम, ये भी धारावी के डेवलप धारावी का साफ सफाई तो हम लोग कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ धारावी के लोगों को प्रबोधन करने का और डिसिप्लिन को मेंटेन बनाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और क्या है, 70 साल से जैसा जगह मिला वैसे लोगों ने अपना अपना घर बनाने का कोशिश किया, और उसके कारण एक प्लानिंग के तौर पर धारावी में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ये हम जानते हैं, और इसके कारण कहीं पानी भरता है, कहीं पानी चढ़ता नहीं है, कहीं कचरा है, कहीं कचरा निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें को हम लोग टक्कर मार रहे हैं, लेकिन धारावी का आने वाले 2-3 महीने के अंदर अच्छा डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, और वो डेवलपमेंट एक दफे शुरू हो जाएगा तो आपको धारावी एक अच्छे नगर में उभर आ रही है, अच्छे नगर में बदल रही है, इस तरह का आपका अनुभव होगा। धारावी में अक्सर आज भी कचरे के बहुत सारे अंबार देखे जाते हैं, और लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि यहाँ के ना तो नगर सेवक या MLA ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है, फिर गंदगी फैलने की वजह से मच्छर, फिर बीमारियां। अक्सर देखेंगे तो साइन हॉस्पिटल यहाँ बहुत नजदीक है, साइन हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा पेशेंट जा रहे हैं इसके बीमारी के वजह से, जो गंदगी के वजह से हो रहा है, तो उस पर भी किसी तरह की रोकथाम नहीं लग पा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो,
हमारे शिवसेना पार्टी के धारावी विभाग के सारे शाखा प्रमुख, सारे नगर सेवक जान लगाकर दिन रात धारावी के गली गली में घूमकर काम कर रहे हैं। धारावी की हो सके उतना अच्छी सफाई हो, धारावी के लोगों को ठीक से पानी मिले, हॉस्पिटल की सुविधा मिले, इसके लिए हमारे यहाँ के सारे नगर सेवक बहुत दिल से काम कर रहे हैं। और उनको डर है कि उद्धव जी खुद इस विषय में हमेशा आप हर 6 महीने के अंदर आपने क्या काम किया आपके विभाग के लिए, आपके जनता के लिए, इस तरह का एक अहवाल देना पड़ता है पार्टी के प्रमुख लोगों को। इसके कारण हमारे सारे शिवसेना पार्टी के नगर सेवक, शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख लगातार धारावी के जनता के साथ है। और इसलिए हमें इलेक्शन आने के बाद विशेष तैयारी के नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा 12 महीना काम चालू रहता है। और इसके कारण अन्य पक्ष की बात अलग है और शिवसेना पार्टी की बात अलग है। शिवसेना हमेशा लोगों से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, इसके कारण हर इलेक्शन हमें आसान होता है। तो जिस तरह से मतलब यहाँ धारावी की समस्या है, तो आपने बताया कि गंदगी है ये वो, उससे निजात पाने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बैनरबाजी हो रही है कहीं ना कहीं कि इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, सामना में भी लेख आया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उस विषय में अमित शाह साहब और उद्धव जी ठाकरे इनके बीच में कुछ चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा के अनुसार ही आने वाला इलेक्शन का सारा काम बनने वाला है। उद्धव जी और अमित जी ऊंचे स्तर के ऊपर बड़े नेते हैं, बड़े नेता है, और वो युति के और महागठबंधन के विषय में हमेशा बात करते रहते हैं। अभी गली गली के कोई कार्यकर्ता उल्टा सीधा बयान करते हैं, लेकिन उद्धव जी ने कहा है ये छोटे बड़े बयान की ओर ध्यान नहीं देना है और किसी ने भी उल्टा सीधा बयान नहीं करना है। इस तरह का उद्धव जी ने सारे कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया है, इसीलिए ऐसा कोई करता नहीं। अगर कोई करता है तो उनके उनके कान पर उद्धव जी की बात नहीं गई होगी, लेकिन ऐसी कोई नहीं, सारा तालमेल से काम चालू है। और आने वाले इलेक्शन में ये महागठबंधन है, महायुति है, ये महायुति बड़े मजबूत भिड़न के साथ आने वाला विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाला है और कोई भी प्रकार का मतभेद या कोई प्रकार का मनभेद यहाँ नजर नहीं आएगा। क्या लगता है कि इस बार पार्टी फिर से आपको एक बार मौका देगी और धारावी की जनता आपको फिर से अपनाएगी? देखो, धारावी के जनता को पूरी तरह से मालूम है मैंने धारावी के लिए क्या किया है, इसीलिए धारावी की जनता मेरे साथ में है। आपको मालूम है लास्ट टाइम मैं लड़ा था तब भी मैंने 38 वोट अकेला लड़ा था, केवल शिवसेना के बलबूते के ऊपर हम यहाँ लड़े थे, तो 38,000 वोट मैंने पाया था। अब तो गठबंधन है, महायुति है, अब तो मुझे ही टिकट इस तरह से यहाँ से मिलेगा और मैं कोई भी हालत में यहाँ जीत के जाने वाला हूँ, मुझे पक्का खातिर है। फिर भी उद्धव जी का अधिकार है, उद्धव जी का वो पक्ष के पार्टी के प्रमुख है, अगर वो कुछ चाहते हैं किसी को और किसी को देना है तो भी हम लोग जो उद्धव जी जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ हम रहेंगे, ऐसा मुझे मेरा इरादा है और मुझे पक्का खातिर है उद्धव जी मेरे योगदान का पार्टी के लिए किया, पार्टी में किया हुआ मैंने जो काम है उस काम के विषय में वो जरूर सोचेंगे। और अकेले केवल शिवसेना पार्टी के बलबूते के ऊपर मैं 2014 को इलेक्शन यहाँ लड़ा हूँ, तो अभी तो गठबंधन है, अभी तो मुझे मौका देंगे, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। ये थे धारावी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व MLA बाबूराव माने साहब, जिनका मानना है कि जिस तरह से उन्होंने अक्सर धारावी में धारावी की जनता के लिए अक्सर वो लड़ाई लड़ते रहे हैं और उनके विकास के लिए भी लड़ाई लड़ते रहे, तो आने वाले समय में शायद शिवसेना उन्हें फिर से एक बार मौका देगी, टिकट देगी और धारावी की जनता उसी तरह से जैसे वो पहले विधायक के रूप में थे फिर से उन्हें उसी रूप में देखेगी। मैं संजय मेहरोलिया, मुंबई से आपका न्यूज़।